हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग मेरा दुआ से बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मैं ऐसे ही बात नहीं करने आई हूँ फ्रेंड्स। कुछ बातें हैं फ्रेंड्स, उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और जो हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो मैं किसके लिए बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बताने जा रही हूँ। उस अंकल का नाम चित्रंजन उरांव है। वो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे समाज के लिए। किसी का भी समाज को बुराई नहीं करना है, अपना अपना समाज, सब समाज अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो मैं किसी का बुराई तो नहीं कर रही हूँ, बस मैं हमारे समाज के लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, अपना अपना गांव, अपना अपना सभी भाई बहनों के लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, सपोर्ट ज़रूर कीजिए, बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो मैं क्या बात करना चाह रही थी फ्रेंड्स, जो सरना समाज सेवी और जो हमारे अंकल है वो एक्स आर्मी रिटायर है फ्रेंड्स। तो चित्रंजन उरांव, मैं उसका सभी वीडियो देखती हूँ फ्रेंड्स और उसको दिल से हार्दिक मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स। वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे समाज के लिए फ्रेंड्स। तो मैं वो जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो आप लोग उसका वीडियो ज़रूर देखिए हमारे समाज में, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और हमारे समाज बहुत बिछड़े थे फ्रेंड्स, वो कुछ दिनों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो सब दुआ कीजिए फ्रेंड्स और सपोर्ट कीजिए सब हमारे भाई बहनों, हमारे समाज के लिए फ्रेंड्स। और क्या कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं चित्रंजन उरांव, और उन्हीं के जैसे आप लोग भी एक दूसरे से सपोर्ट कीजिए। पर हमारे समाज के लोग समझते नहीं हैं फ्रेंड्स, क्या बोलें। बहुत ही नाराज लग जाता है हमारे समाज का जो देख के। पर नाराज होना नहीं है फ्रेंड्स, संघर्ष करना है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, हम लोग धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे समाज इतना क्यों, सभी लोग क्यों ऐसे बोलते हैं, अपना अपना समाज, सभी का समाज तो अच्छा ही है, हमारे समाज को तो अच्छा नहीं बोलते हैं। ये झूठ है, ये कैसे झूठ है, ये तो सच्चात है दोस्तों। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो, झूठ नहीं है। हम लोग पूरा जीव, हम लोग बोले तो हम लोग पूरा पूर्वज का को ही मानते हैं और रियल को मानते हैं, ऐसे कोई देवता को भी नहीं मानते हैं हमारे समाज के लोग कभी भी। तो कैसे हमारे समाज अच्छा, हमारे समाज के जो लोग जो भी करते हैं पूजा वो कैसे अच्छा नहीं है। भले हमारे पास ऐसे मंदिर नहीं है, लेकिन जो रियल है उसी को पूजा करते हैं फ्रेंड्स। तो किसी के समाज में, मैं इसीलिए आप लोग से बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत देखने सुनने के लिए मिलता है कि हम लोग का समाज को सभी लोग घृणा करते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं कहीं जगह। तो हम लोग छोटे थे फ्रेंड्स, तो उस समय हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, और अभी तो बड़े हो गए तो हम लोग को यही पता चलता है कि हम लोग का समाज में कितना बिछड़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप लोग जहाँ भी कहीं हैं आप सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाले हैं। तो
आप लोग से ज़्यादा बात नहीं करूँगी फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इन जो रियल है उसी को मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को भी सुनने को ऐसे मिलता है फ्रेंड्स, और हर गांव में तो एकजुट अभी तक भी नहीं है फ्रेंड्स। कभी उसका बुराई, कभी उसका बुराई, एक दूसरे का बुराई ही अच्छा, सबके लिए अच्छा ही सोचो तो अपने आप के लिए भी अच्छा जरूर होगा फ्रेंड्स। और जो चित्रंजन उरा जो अंकल है, उनका वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कैसे हमारे समाज में गांव गांव जा जा के कैसे संदेश दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारे ऐसे ही गांव गांव में जाके संदेश दे रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से बहुत लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। और जो नहीं देख रहे हैं वो गांव में हैं, वो देख के खुद समझ रहे हैं फ्रेंड्स। किसी को ज़बरदस्त समझाना भी नहीं है अच्छा, जिसको समझ में आएगा वो ज़रूर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ आप लोग से, बस इतना ही बात करूँगी। बात तो बहुत ज़्यादा करना है फ्रेंड्स, लेकिन अभी क्या बात करें, कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।